स्लो वीडियो 2014। जरा सोचो, अगर आपके लिए टाइम स्लो चलने लगे तो आप क्या क्या कारनामे कर सकते हैं। तो आज की इस कहानी को किम योंग तक नाम के एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होती है, जहां दो औरतें एक यंग न्यू वर्कर के बारे में बात कर रही होती हैं, जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा पहने बैठा था। तभी अचानक सबको एक कैमरे में दो चोर भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद कर्मचारी अपने बॉस को इसके बारे में खबर देते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। ऑफिस में हर कोई सीसीटीवी कैमरे में उन चोरों को ट्रैक करता है, पर वो चोर जल्द ही सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। जब चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता और सब निराश हो जाते हैं, तो चश्मे वाला वो नया कर्मचारी उन्हें एक क्लिप दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि दोनों चोर एक गली में छुपे हुए थे। उसकी वजह से पुलिस जल्द ही उन्हें पकड़ लेती है। उस एम्प्लॉय का नाम यो जेंग बू था। उसकी आंखों की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देखता था। आंखों की इसी खराबी की वजह से उसने चोरों के तेज भागने के बावजूद भी उन्हें छुपते हुए देख लिया था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि जेंग बू क्लास 5 का स्टूडेंट है। वो अपने बचपन की दोस्त बोंग सो मी के साथ एक दौड़ में हिस्सा लेता है। यही वो समय था जब जेंग बू को पहली बार स्लो मोशन में दिखना शुरू हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है, तब वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जो उसकी आंखों को चेक करके बताता है कि उसकी आंखों को एक रेयर बीमारी हुई है, जिसका नाम डायनेमिक विजुअल एक्यूटी है, जिसकी वजह से वो चलती हुई चीजों को डिटेल्स इतनी बारीकी से देख सकता है जैसे वो दुनिया को स्लो मोशन में देख रहा हो। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जेंग बू की तरफ बेसबॉल को बहुत हाई स्पीड में फेंकता है, जिसे वो आसानी से कैच कर लेता है। फिर डॉक्टर इसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए उसे हर वक्त धूप का चश्मा पहनने को कहता है। जेंग बू की डिसऑर्डर के पता चलने के बाद उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, ताकि वो अपने बेटे का सही से इलाज करा सके। जेंग बू घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहने लगता है। वो कहता है कि ये बीमारी उसके लिए एक आशीर्वाद और श्राप दोनों है। जहाँ उसे स्लो मोशन में लड़कियों के कपड़े उड़ते देखते हुए मजा आता था, वहीं स्कूल में धूप का चश्मा लगाने की वजह से उसे तंग भी किया जाता था। सूमी उसकी इकलौती फ्रेंड थी, जिसे अब वो प्यार करने लगा था। पर जैसे जैसे समय बीता जाता है, जेंग की दोस्त होने के कारण लोग उसे भी तंग करने लगते हैं और मजबूरन सू को जंग का साथ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जेंग का कोई और दोस्त नहीं बनता, इसीलिए जेंग चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएं, इसीलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहता है। लेकिन उसकी आंखें खराब नहीं होती, पर उसे सुपर हीरो वाले नाटक देखने की लत लग जाती है। वो सभी एक्टर्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उनके सारे दांव पेच सीख लेता है, पर प्रैक्टिस करने के लिए कभी बाहर नहीं जाता। उसके फादर पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी नहीं आते। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे हैं, पर एक दिन अचानक काम करते हुए एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनकी मौत के बाद जेंग बू की लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं बचा था। तब उसे डॉक्टर सियुक की याद आती है, तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपने घर से निकलने और पैसा कमा कर अपने घर वालों की मदद करने की सलाह देते हैं। इसीलिए जेंग बू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ वो खुद से बातें करता है कि उसे लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे उन ड्रामास की याद आ जाती है जिन्हें वो बचपन से देखा करता था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस ड्रामे में सभी लोग मेन एक्टर्स थे। एक दिन उसका साथी वर्कर उनके बॉस से जेंग के बिहेवियर के बारे में बातें करता है। वो कहता है कि जेंग बहुत चुपचाप रहता है और किसी से बात नहीं करता। वो अपने बॉस से वादा करता है कि वो जेंग का ध्यान रखेगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद से वो जेंग के पास ही बैठने लगता है और काम के दौरान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मीला जेंग बूस उसके सभी सवालों के जवाब सर हिला कर देता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता। कैमरा मॉनिटर करते वक्त वो काउंट करता है कि एक निश्चित जगह पर पहुंचने में लोगों को कितने कदम चलने पड़ते हैं। बायोंग सो को ये सब अजीब लगता है, पर वो कभी उससे इस बारे में नहीं पूछता है। जेंग बू से घुलने मिलने के लिए वो उससे पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस सवाल से जेंग बू को सूमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सूमी बड़ी होकर एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, पर उसे पैसों की दिक्कत थी। उसका कर्जदार उससे झगड़ता है और सू को कहता है कि वो अपना घर बेचकर उसका कर्ज चुका दे। जेंग बू उसे दूर से देखता है, पर पास
जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उस दिन से वो हर दिन शो को कैमरे में देखने लगता है। वो उसके लिए डेली रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हर रात एक कॉफी शॉप पे सोडा पीती है और जैंग भी यही करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि सुमी रास्ते में पड़े एक बेकार से सोफे को देखती है, तो अगले दिन वो सोफे को खींचकर कॉफी शॉप के सामने कर देता है ताकि सुमी उस पर बैठ सके। रात में सुमी की नजर सोफे पर पड़ती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर बैठ जाती है। अगले दिन वो तेज बारिश की वजह से बस स्टॉप पे फंस जाती है। जैंग उसे मॉनिटर पर देखकर बायोंग के साथ उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। वो ड्रामास के हीरो की तरह उसके सर पर छाता खोलकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश करता है, पर सो उसे लफंगा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जैंग और बायोंग डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और जैंग उनसे सोमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। वो जैंग बू से सो को फ्लावर्स देने को कहता है। अगले दिन सोमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, पर उसे देर हो जाती है, तो वो मैनेजर को कॉल लगाती है और उसके कहने पर ऑडिशन के लिए रास्ते में ही गाना शुरू कर देती है। उसके बढ़िया गाने को सुनकर राह चलते लोग उसे हैरत से देखने लगते हैं। जैंग बू भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सू का गाना खत्म होने के बाद वो उसे बुके देता है, पर सू को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि इन फूलों की जगह वो जहर का बॉक्स ज्यादा पसंद करेगी। ये कहकर वो जाने लगती है, तभी जैंग बू उसे उसके नाम से पुकारता है, उसके बचपन के दोस्त के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर वो कहती है कि उसका नाम बोंग सू मी नहीं ओ सो मी है। और इस तरह उसे पता चलता है कि आज तक उसने गलत लड़की का पीछा किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो उसे प्यार करने लगा था। एक दिन शाम को वो दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ सोमी शॉपिंग करके लौट रही होती है। जैंग को देखकर सोमी उसे अपने राशन बैग उठवाती है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि वो बोंग सोमी को क्यों ढूंढ रहा है, तो वो कहता है कि वो उसे बचपन से चाहता है। दूसरे दिन ऑफिस में सीसीटीवी के मॉनिटर पर जैंग बू सोमी को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। फोन करने वाला सोमी को बताता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर सोमी रास्ते में ही खुशी से उछलने कूदने लगती है और नाचने लगती है, और जैंग बू से स्क्रीन पर देखता रहता है। उस रात सोमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाती है। जब वो देखती है जैंग बू बाहर खड़े उसे देख रहा है, तो वो उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और सोमी उसे अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपने लाइंस गाकर प्रैक्टिस करती है। जैंग उसे बधाई देता है और उसे भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उस पर तेजी से स्पून्स फेंकते हैं और वो आसानी से कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग बू सोमी के घर के पास चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप्स काउंट करता है। बायोंग सो मॉनिटर पर उसे ऐसा करता देख समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते वक्त सोमी देखती है कि जैंग बू उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों रास्ते भर अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करते हैं और बातों बातों में सोमी को पता चलता है कि जैंग सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। फिर वो दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जिसे सो अक्सर देखा करती थी। सोमी उसे बताती है कि उसे उस कैफे के ओनर पर क्रश है और ये भी कहती है कि उसके पास शानदार कार है। जैंग बू को कैफे ओनर से जलन होती है और वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है। वो सोमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार में घुमाने के लिए ले जाने का फैसला करता है और अपने ऑफिस में सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है तो वो थोड़ी देर के लिए भाड़े पर दे दे ताकि वो सोमी को उस पे घुमा पाए, पर बदकिस्मती से किसी के पास कार नहीं होती है। अगले दिन घर लौटते वक्त सोमी को रास्ते में उसका कर्जदार मिल जाता है। वो उस पर चिल्लाता है और धमकाता है कि अगर उसने उसका पैसा वापस नहीं किया तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है, लेकिन जैंग बू और बायोंग सही टाइम पर पहुंचकर सोमी को बचा लेते हैं। जब जैंग बू काम पर वापस आता है तो सोमी एक कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए थैंक यू कहती है, क्योंकि उसे पता था कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में जैंग बू उसे देख रहा होगा। शाम में वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। जैंग बू उससे पूछता है कि अगर उसे कार मिल जाए तो वो उसका क्या करी। इस पर सोमी कहती है कि वो रोज कार में बैठकर समंदर के किनारे जाया करेगी। जैंग बू को कार नहीं मिलती तो वो रोज एक लोकल बस में ट्रेवल करके उसके ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। उसने कैमरे पर उसके ड्राइवर को रात के समय अकेले बेसबॉल खेलते हुए कई बार देखा था, इसीलिए एक रात वो भी उसके साथ खेल में शामिल हो जाता है और बात बात में उससे अपने दिल
दिल की बात बताते हुए उससे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो मान भी जाता है। अगले दिन बायोंग सो बस ड्राइवर और जेंगबू सोमी को बस स्टॉप पे पिकअप करके सी दिखाने के लिए ले जाता है। इसके लिए उन्हें भूसान जाना था। सोमी को खुश करने के लिए जेंगबू जो कुछ भी कर रहा था उससे इम्प्रेस होके सोमी भी उसे पसंद करने लगती है। पर अचानक से रास्ते में बॉर्डर पुलिस उनकी बस को रोक देते हैं और वो उस लोकल बस को दूसरे शहर में एंटर करने नहीं देते। सोमी गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगती है पर बायोंग सो उसे शांत करता है। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और उन्हें सीप देखे बिना वापस घर लौटना पड़ता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेंगबू का बॉस सबको बताता है कि शहर में औरतों को उठाने के केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक उसी समय जेंगबू एक मॉनिटर पर सोमी को देखता है पर वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। वो डर जाता है और भाग कर वहाँ पर जाता है पर वहाँ पहुँच कर उसे पता चलता है कि सोमी ने उसके साथ मजाक किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जेंग उसे बचाने आता है या नहीं। इसके बाद सोमी उसके चश्मे को हटा देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जेंगबू उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और सोमी उसे अंदर आने के लिए कहती है पर सोमी देखती है कि कर्जदार उसके घर पर आए हुए थे और उन्होंने उसकी सारी चीजें बिखेर दी थी। वो उससे पैसा लौटाने के लिए धमकाते हैं। शोर सुनकर जेंगबू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर उसकी आंखें धुंधला जाने के कारण वो गिर पड़ता है। लोगों के जाने के बाद जेंगबू और सोमी बैठकर बातें करते हैं। कर्जदारों के फेंके हुए सामानों को वो समेटते हुए जेंगबू को सोमी की वो ड्राइंग्स मिलती है जो उसने अपने स्कूल डेज में सोमी के लिए बनाई। तब सोमी जेंग को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि जेंगबू उसे उसके बचपन वाले रूप में पहचाने, इसीलिए उसने जेंगबू से अपनी असलियत छुपाई थी। जेंगबू ये सुनकर खामोश हो जाता है जबकि सोमी मुस्कुराते हुए उन पेंटिंग्स को देखती रहती है। अगले दिन जेंग डॉक्टर सियोक के पास जाकर कहता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब और बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत जल्द उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। जेंगबू पहले से ही जानता था कि जल्द ही वो अंधा होने वाला है, इसीलिए वो जहाँ भी जाता स्टेप्स काउंट कर लेता था ताकि पूरी तरह से अंधा होने के बाद भी उसे दिक्कत ना हो। एक तरफ जहाँ जेंगबू अपनी खराब होती आंखों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ सोमी को अपने कर्जों की फिक्र थी, इसीलिए वो अपना घर बेचकर सारे कर्जे चुका देती है। पर अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जेंगबू सोमी को स्क्रीन पर अपने सामानों के एक बॉक्स के साथ एक दुकानदार से बात करते हुए देखता है कि अचानक उसके साथ काम करने वाली लेडी को एक दूसरे स्क्रीन पर एक कार को उसी एरिया में चक्कर काटते हुए देख शक होता है। वो करीब से उस कार के नंबर प्लेट को देखती है और नोटिस करती है कि वो एक कार एक भागे हुए किडनैपर की थी। वो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और तुरंत ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर तभी कार सबकी आंखों से गायब हो जाती है और सोमी भी जेंग की नजरों से ओझल हो जाती है। जेंग को डर लगता है कि कहीं सोमी को कुछ हो ना जाए और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती हैं और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है जिससे वो गिर जाता है। बायोंग सो ये सब कैमरे में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। उधर एक अनजान आदमी सोमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसे कहीं ले जाता है, इससे पहले जेंगबू उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है और जेंगबू एक बस से टकराते बचता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और सोमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जेंगबू रास्ते में अकेला रह जाता है, तभी बायोंग सो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। जेंगबू अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खराब हो जाने से दुखी होकर रोने लगता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सोमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जेंगबू को कॉन्टेक्ट नहीं करती। जब भी उसे जेंगबू की याद आती तो वो सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है। कुछ महीनों के बाद जेंगबू उसे अपने फेवरेट कॉफी शॉप पे दिखाई देता है। वो खुश होकर उसके पास जाकर हाथ हिलाती है पर जेंगबू को एक वॉकिंग स्टिक निकाल कर दूसरी तरफ जाते हुए देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाती है जहां एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वो देखती है कि वो पूरी गैलरी जेंगबू के हाथों बनाई हुई सोमी की पेंटिंग से भरी पड़ी थी। तभी जेंगबू अकेले में ये कहते हुए दिखाया जाता है कि भले ही उसकी आंखें खराब हो गई हैं पर सोमी उसे अब भी याद है। अगले दिन सोमी फिर जेंगबू का पीछा करती है। इस बार जेंग उससे पूछता है कि वो कहां जाना चाहती है तो सोमी समझ जाती है कि वो उसे
उसे महसूस कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।